हरीरा बनाने के लिए हमने 2 चम्मच जीरा लिया है, 5 सौंठ की गांठें ली है और 6 हल्दी की गांठें ली है। इन सभी को पीस लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे पानी में भिगाकर और पीस लेंगे सिलवट्टा से। तो हल्दी को हम कूट लेंगे। तो हल्दी हमने कूट लिया और इसे बहुत महीन पीस लेना है। ड्राई फ्रूट लिए, बादाम है, काजू है, गरी है, चौकी हुई किशमिश और चिरौंजी और हमने गुड़ ली है। जो हल्दी और सौंठ हमने मसाला पीसा था उनको जोड़कर हाफ क्वांटिटी में गुड़ लेना है, यानी कि एक क्वांटिटी में ये दोनों लेने हैं मसाले और हाफ क्वांटिटी में गुड़ लेनी है। और हमने इतना सरसों का तेल लिया है। अब हम सरसों के तेल को गर्म कर रहे हैं। आप चाहे घी में पकाएं, आपकी जिसमें अच्छा हो उसमें पकाएं। हमने सरसों का तेल लिया है तो तेल को गर्म होने दे रहे हैं। तो देखिए तेल पक गया है। तेल को अच्छी तरह से पका लें। अब इसके बाद हम हल्दी डालेंगे। हल्दी और सौंठ को पकाते हैं तो पानी
ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से कलर चेंज हो गया है। देखिए हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल ले रहे हैं, तो गरी डाल दी है हमने, किशमिश डाल दे रहे हैं और चिरौंजी डाल दे रहे हैं और सभी ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। काजू और बादाम हम बाद में डालेंगे गुड़ डालने के बाद। ये जब तक अच्छी तरह से पका ले रहे हैं ये मिश्रण, इस तरह से चला दे रहे हैं क्योंकि ये हरीरा लग ना जाए कढ़ाई में और चारों तरफ से पक जाए, इस तरह से घुमाने से पक जाएगा। तो देखिए हरीरा हमारा अच्छी तरह से पक गया है और तेल छोड़ गया है। तो इसे मैंने 10 से 15 मिनट तक पकाया और इस तरह से कचुली से चला दे रहे। देखिए तेल छोड़ने लगेगा जब हरीरा पक जाएगा। और जब आप गुड़ डालें ना तो फ्लेम ऑफ करके ही डालें। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं, तो मसाला पक गया है, स्लो फ्लेम पर ही पकाएं। तो अब हम गुड़ डाल रहे हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें जिससे कि गुड़ अच्छी तरह से हरीरा में मिक्स हो जाए। देखिए गुड़ पड़ी है, वैसे ही हरीरा तेल छोड़ने लगेगा। हरीरा बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। आप सर्दियों में बनाएं, हरीरा के बहुत ही फायदे हैं कि बैक पेन, घुटनों में दर्द, अगर आपको सर्दी होती है तो ये बहुत ही फायदा करता है, आपको सर्दी होने से बचाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो देखिए ऑयल छोड़ दिया है हरीरा ने। इसी तरह से बनाएं हरीरा, बहुत ही हेल्दी है। हरीरा हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब इसे हम एक प्लेट में रख ले रहे हैं। ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, तो ये बादाम हमने क्रश कर लिए थे और काजू डाल दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स हरीरा हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप भी इसी तरह से बनाएं।